नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब में फिर से आपका स्वागत है। तो मेरा यूट्यूब में BG605 ये जो BML का ग्रेडर है, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रेडर है, हेवी ग्रेडर से। तो इस ग्रेडर के बारे में आज ये वीडियो है, ये प्रॉपरली कैसा ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, इसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को कभी भी ग्रेडर अगर चलाना है तो आपको ग्रीसिंग, जो ग्रीसिंग के पॉइंट्स है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं ये लिफ्ट रैम के नीचे ग्रीसिंग का पॉइंट है, स्टेयरिंग के ऊपर ग्रीसिंग के पॉइंट है, ग्रीसिंग प्रॉपरली करना चाहिए। टायर में जो टायर प्रेशर है, यानी कि हवा जो है उसका प्रेशर बराबर होना चाहिए। ग्रेडर चालू करने से पहले ये चीज आपको करना है, ये रेडिएटर में पानी देखना है, एयर क्लीनर को साफ कर लेना है, ये जो चीजें ये कोई भी मशीन करने से पहले आपको करना ही है। ऑयल लेवल्स आपको चेक करना है, चाहे वो इंजन ऑयल हो, ट्रांसमिशन ऑयल लेवल हो, इसका ऑयल लेवल आपको जरूर जरूर चेक करना है। तो अभी हम आपको मशीन चालू करने का, मशीन कैसे चालू करते हैं, उसको कैसे प्रॉपरली ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज आप ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका इग्निशन की जो है वो शुरू करना है। इग्निशन की चालू करने से पहले ये जो लीवर है ये सेंटर में होना है, इसके ऊपर हाथ रखना पड़ता है, या तो ये नीचे का जो लीवर है वो लॉक लगाना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर हाथ, ये ऊपर लॉक हो गया है ये लॉक, और जब आपको चालू करना है तो इसको नीचे के साइड में लेना है, तो उसके सिवा आपका मशीन चालू नहीं होता है। इसके बाद में आपको सबसे पहले आप इसका डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डैशबोर्ड है, RPM मीटर है, ऑयल का प्रेशर है। ऑयल का प्रेशर कभी भी रेड के ऊपर नहीं होना है, अगर रेड के ऊपर होता है तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप मशीन नहीं चला सकते, आपका इंजन ऑयल प्रेशर कम है। उसके बाद में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये टेम्परेचर मीटर है, टेम्परेचर मीटर भी रेड जोन में नहीं होना है, अगर टेम्परेचर रेड जोन में होता है तो आप लोग मशीन नहीं चला सकते हैं, तो और मशीन हीटिंग हो सकता है। आवर्स मीटर भी, आवर्स का जो टोटल है ये भी देख सकते हैं आप, मेरा जो यहाँ पे लिखी है यहाँ पे आवर्स आप लोगों को देख सकता है, डीजल कितना है यानी कि फ्यूल कितना है ये भी आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में जो बैटरी का जो मीटर है, अगर बैटरी का मीटर ग्रीन में हो तो ये आपका बैटरी चार्ज हो सकता है, इसे एमीटर ऐसा बोलते हैं, वो अगर रेड में जाता है तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका बैटरी कुछ कारण से चार्ज नहीं हो रहा है, जैसे कि अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये हो गए आपका स्पीडोमीटर, इसे स्पीडोमीटर बोलते हैं, इसके ऊपर तुम्हारा ग्रेडर का स्पीड अभी कितना है ये बताता है, और उसके साथ में किलोमीटर्स भी ये शो करता है। तो इस तरीके का इसका ऊपर का इंटरफेस है। अभी हम लोग आपको ये प्रॉपरली कैसा चलाते हैं इसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो लीवर है, लीवर कौन सी इसका है दुबे जी, बोलिए। अप डाउन का है, कौन सा ये लीवर? हाँ ये लीवर अप डाउन का, यानी कि उससे कौन सा आप होता है इसमें। अभी देखिए आपको एक एक लीवर हम लोग बताएंगे। ये जो लीवर है ये ऊपर करने से दोनों साइड के दोनों लीवर एक साथ यूज कर सकते हैं। हाँ, दोनों साइड के दोनों लीवर आप लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। ये दोनों रैम के लिए, ये जो आखिरी वाला लीवर है ये लिफ्ट करने के लिए, बकेट लिफ्ट करने के लिए है, ब्लेड लिफ्ट करने के लिए है। नंबर दो का जो है वो स्विंग के लिए, आप लोग देख सकते हैं स्विंग के लिए एक ही लीवर है, ये पूरा सर्कल इन आउट लेने के लिए है, ये पूरा सर्कल इन आउट लेने के लिए। नंबर तीन का जो लीवर है वो सर्कल इन आउट के लिए है, ये ब्लेड इन आउट के लिए है, ये ब्लेड इन आउट के लिए, आप देख सकते हैं ये ब्लेड अभी इन आउट हो रहा है। मैं आपको और सेपरेटली एक एक लीवर करके बताता हूँ। और ये रेड टायर के लिए यूज किया जाता है, टायर के लिए, हाँ टायर जब आपको घुमाने होंगे तो ये रेड लीवर यूज किया जाता है। मैं आपको सेपरेटली और एक बार बताता हूँ कि देखिए ये जो लीवर है, ये लीवर बकेट लिफ्ट का लीवर है, ब्लेड लिफ्ट का लीवर है, तो आप लोग देख सकते हैं ब्लेड कैसा लिफ्ट करना है, ये ब्लेड का, ये ब्लेड डाउन होगा, ओके। ये जो है ये स्विंग के लिए है, नीचे करेंगे तो ब्लेड आपको स्विंग करते हुए दिखता है, ये दो नंबर का लीवर है, इसको वो साइड में करेंगे तो ये स्विंग होगा, पूरा सर्कल इन आउट, ये पूरा सर्कल इन आउट के लिए है, आप देख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से इसे सर्कल इन आउट कर सकते हैं। उसके बाद में ये राइट हैंड साइड के लीवर से ब्लेड इन आउट, ये ब्लेड इन आउट के लिए है, आप देख सकते हैं ब्लेड अभी बाहर निकल रहा है, ब्लेड अंदर
अंदर में निकल रहा है, ये देखिए। हाँ, इसके बाद में ये टायर ऑक्सीलेशन के लिए है। आप लोग ये जब मैं रेड बताता हूँ, आप लोग देखिए आगे के जो टायर्स है वो ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, यानी कि वो घूम रहे हैं। और ये जो है ये साइड का जो लीवर है, राइट साइड का, उसके लिए। तो इसी तरीके से इसके सब फंक्शंस है। तो अभी इसका पूरा हम बाद में पूरा टेक्निकल नॉलेज के साथ में भी हम लोग आपका इसका ऑयल लेवल कब चेंज करना है, कौन से ऑयल लेवल कैसे करते हैं, ब्लेड कैसी लगानी है, उसे कैसे चलानी है, सारे वीडियोज हम आप लोग तक कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। तो थैंक यू दुबे जी, आपने जो हमको जो बहुमूल्य सहकार्य किया है, और कोरोना में आप लोग भी काम कर रहे हैं इतना करके, तो हम लोग बहुत ही खुश है। तो ठीक है, थैंक यू। आज दुबे जी ने हमें मशीन के प्रॉपर लीवर्स बताए हैं, ऐसे ही वो हमको आप तक वीडियोज लाते रहेंगे। तो थैंक यू।